हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंसम एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज प्रभात विश्वकर्मा और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो समरी। समरी मतलब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब थ्योरी। थ्योरी में नाउन की परिभाषा, नाउन का एग्जांपल्स, नाउन कितने प्रकार का होता है, ये पार्ट्स ऑफ नाउन में पढ़ेंगे। और थर्ड नंबर, इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, मतलब कितने मिनट का ये लेक्चर है। तो शुरू करते हैं। नाउन। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब कि किसी व्यक्ति विशेष, स्थान या चीज के नाम को नाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए राम सीता, अलाहाबाद या पानी, कुछ भी नाम जो आप लेंगे, वाटर, मिल्क, ये सब आपका नाउन के अंतर्गत आएंगे। आगरा, ताजमहल, सब नाउन के अंतर्गत आएगा। आते हैं इसके पार्ट्स ऑफ नाउन में। पार्ट्स ऑफ नाउन ऑन काउंटिंग बेसिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वन काउंटेबल नाउन एंड द सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इज ए टाइप ऑफ नाउन विच कैन बी काउंटेड, दैट इज कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड प्रॉपर नाउन। मतलब काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जो कि काउंट किया जा सकता है, दैट कैन बी काउंटेड। और सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इज ए टाइप ऑफ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब वो काउंट नहीं किया जा सकता है। इनके अंतर्गत आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। बेसिकली मटेरियल नाउन जो होता है वो पदार्थ को बोध कराता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किसी की सुंदरता या चीज के स्पेसिफिकेशन को व्यक्त करता है। आते हैं काउंटेबल नाउन में ही पार्ट आता है आपका कॉमन नाउन। शुरुआत करते हैं कॉमन नाउन से। अ कॉमन नाउन इज ए नाउन रिफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ जनरल सेंस और कॉमन हियर शेयर्ड बाय ऑल, मतलब जो कि सबके द्वारा शेयर किया जा सकता है काम, और सबके द्वारा शेयर होता है जनरल सेंस में, और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, यहाँ पे क्लास जो है वो कॉमन नाउन है। द नियरेस्ट टाउन इज 60 miles अवे, यहाँ पे टाउन जो है वो कॉमन नाउन है। फिर इसके बाद आते हैं इस सेकेंड पे प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी विशिष्ट पर्सन, प्लेस और थिंग को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका विशिष्टतया नाम लिया गया है, अतः यह प्रॉपर नाउन का उदाहरण है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हरी इज ए गुड बॉय, हरी और इंडिया यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। एंड नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर, पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर कंसीडर्ड एज वन यूनिट, मतलब कि जो कि एक यूनिट की भांति कंसीडर किए जाते हैं, उनके पर्सन, व्यक्ति के समूह या स्थान, या एक इसका हिंदी में नाम होता है समूहवाचक संज्ञा, यह एक विशिष्टतया समूह को प्रदर्शित करता है। जैसे कि द फ्लॉक ऑफ, एज ए एग्जाम्पल, द फ्लॉक ऑफ गीस स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन द पास्चर, मतलब फ्लॉक यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड, यहाँ पे पुलिस जो होती है वो पुलिस लोग, मतलब समूह को प्रदर्शित कर रही कि पुलिस वाले हैं यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन विच नेम्स क्वालिटी, एक्शन, वर्चू और स्टेट, मतलब किसी के गुण, दोष या स्थिति को व्यक्त जो करता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। उदाहरण के लिए देखें तो वी आर लव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल नाउन। या मटेरियल नाउन इज ए नाउन विच रिप्रेजेंट द नेम ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल नेम लाइक गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, वाटर एक्सेट्रा। जैसा कि शुरू में ही बताया गया था कि यह मटेरियल नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और यह विशिष्ट पदार्थ के
विशिष्ट तरह के पदार्थ के नामों का बोध कराता है। अब विशिष्ट तरह के पदार्थ हमारे यहाँ गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, वाटर एक्सेट्रा। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आगे हम इसके आगे का लेक्चर अपलोड करेंगे। थैंक यू।